आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों। भाई इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो आप छुपके छुपके देख रहे हैं? मैं कोई छुपके छुपके नहीं देख रहा, और थोड़ा इंतजार करें फिर आप खुद ही देख लेंगे। रब ने ये जहां चमकाया है, मीलाद का मौसम आया। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत बैज है ये। ये बैज बाबा ने हमें रबीउल अव्वल के लिए दिलाए हैं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। रहमत का उजाला छाया है, मीलाद का मौसम। भाई क्या सोच रहे हैं? भाई मैं ये सोच रहा हूँ 12 रबीउल अव्वल को हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, बैज भी लगाते हैं और झंडे भी उठाते हैं, जुलूस में भी चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं? आपका सवाल तो अच्छा है। चले हम मिलकर सोचते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन कौन कौन सी नेकियां करनी चाहिए। पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पढ़नी चाहिए, हो सके तो उस दिन कोई पौधा लगा दे, पौधा लगेगा तो ही दरख्त बनेगा। लोगों को सलाम करना चाहिए और इन्हें 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देनी चाहिए। देखें भाई, अभी तो हमने कुछ देर ही सोचा था और कितनी सारी नेकियां डिस्कस कर ली। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।